हेलो जी, क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपके साथ एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और आज का मेरा टॉपिक ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि अलीवीर का एक बहुत ज़्यादा ड्रामा चलता है। आए दिन ही वो बीमार हो जाता है, आए दिन इसको कोई ना कोई मसला निकलाता है और वो बीमार होकर दिखाने लग जाता है। और उनके जो थंबनेल होते हैं और उसके बाद जो टाइटल उन्होंने लिख के लगाया होता है, उसमें तो उन्होंने नई नई चीज़ें लिखी होती हैं। आज तो मैंने देखी अपनी वाइफ की जान ही निकाल दी, आज तो मियाँ जी ने, चौधरी साहब ने मेरी जान ही निकाल दी, आज तो मैं मर ही गया था। पता नहीं क्या क्या लिख के लगाया। बंदा पूछे तुम अगर मर गए थे तो ये कौन लिख के लगा रहा है? क्या तुम बकवास लिख रहे हो? इसलिए लिख रहे हो कि ज़्यादा व्यूज़ मुझे मिलेंगे, ऐसी चीज़ें मैं लिखूँगा तो ज़्यादा लोग मतलब खोल लेंगे, देखेंगे, लोगों को होगा हाय मर गया है, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सिर्फ तुम दिखाने के लिए लगा रहे हो, सिर्फ अपने मतलब बढ़ाने के लिए। अच्छा जी, अगली बात तो ये हो गई है, तो रोज़ का ड्रामा हो गया उनका कि जी आए दिन कुछ ना कुछ लिख के लगा देना। अच्छा, अगली बात करते हैं। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है, असल में ना अलीवीर एक ड्रामा बन गया है लोगों के लिए। लोगों के पास खुद तो दिखाने के लिए कुछ है नहीं है, तो वो देखते हैं। उन्होंने अलीवीर के चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है कि ये जो जो रोज़ाना करेगा, जैसे जैसे वीडियोस लगाएगा, मीम्स बनाएगा, हमने इसी के पीछे चले जाना, इसी को बस फॉलो करना है। मतलब इसने आज जो हमें टॉपिक दे दिया, फिर हमने इसी पे एक वीडियो अपनी रोज़ाना बनानी है और डालनी है। मतलब उनके वीडियो बनाने का जो मतलब रोज़ाना का मवाद जो देना होता है ना, वो अलीवीर से लेते हैं। वो वेट कर रहे होते हैं कि सुबह अलीवीर एक वीडियो अपलोड करेगा और शाम को वो देखेंगे और उसी पे जाके वीडियो बना देंगे। अच्छा जी, अब अगली बात ये है कि जो अलीवी ने ड्रामा चलाया हुआ था, उस ड्रामे में ये हुआ कि उसने टाइटल ही कुछ ऐसे लगाए थे, थंबनेल ही कुछ ऐसे लगाए थे। उसके बाद जी उसका बाप भाई वगैरह सब लोग आ गए जी अलीवीर से मिलने के लिए। अब कोई देखे बीमार है, को सारी जगह अपनी पब्लिसिटी कर रहा है कि देखे मैं बीमार हूँ, ये हो गया है, वो हो गया है। तो यकीनन सी बात है कि अगला बंदा आप लोगों की फिर खबर तो लेने आएगा ही ना, आप लोगों से पूछने तो आएगा ही कि भाई क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हमें भी बताओ। तो इसी तरह से ये हुआ, जब उसने इतना ज़्यादा यूट्यूब पे अपना फैला दिया, अपना दिखा दिया और लगातार एक दो हफ्ते तक उसने अपना ड्रामा चलाया और उसने तकरीबन 10-20 वीडियोज़ डाली हैं इस चीज़ पर कि जी मैं बीमार हो गया हूँ, मेरा ये हो गया है, तो मेरा वो हो गया है। उसकी खबर लेने के लिए आना ही था सबने। जब इतना ज़्यादा दिखा रहे हो तो दिखाने का मकसद आपका यही है ना कि देखो और आओ, तो आप इसलिए दिखा रहे हो, नहीं तो आप नॉर्मल भी रख सकते हो। तो नॉर्मल ये जो अपने पर्सनल बातें जो होती है ना बहुत ज़्यादा, वो तो ही आके यूट्यूब पे डालते नहीं है। ऐसे वीडियोस उठा के ज़रूर यूट्यूब पे डालते हैं क्योंकि वो व्यूज़ लेना चाहते होते हैं और ड्रामा दिखाना चाह रहे होते हैं, इसलिए वो सब वीडियोस उठा के डाल देते हैं। अच्छा जी, अब इसका सारे ड्रामे का जो इसका मेन मकसद था, जो मतलब था कि मैंने ये ड्रामा करना है, उसने वो ड्रामा अपना किया। और जी वो ड्रामा कर करा के उसके घर वाले आ गए, अलीवीर का बाप आ गया, बहन नहीं आई, माँ नहीं आई। माँ को अपनी औलाद से प्यार होता है, तो फिर ये कैसी औलाद है जिसे मिलने माँ ही नहीं आई? या तो माँ नहीं ठीक है या अलीवीर नहीं ठीक है, दोनों में से एक ही बात हो सकती है ना, कि या तो अलीवीर इस काबिल नहीं है कि उसकी माँ से आके मिलती, या फिर क्योंकि एक इकलौती बहन है। बहनों को तो देखिए आपको पता ही है कि अपने भाइयों का कितना करती हैं, ये वो, कि अपने भाइयों पर जान देती हैं कि हमारा भाई अगर बीमार हो गया तो ये, और ऊपर से इकलौती बहन हो तो उसको क्या फील नहीं हुआ, उसकी माँ को क्या फील नहीं हुआ। और सब आ गए हैं, भाई आ गए हैं, सब बाप आ गया है, वो बड़ा भाई जो आ गया जो बिल्कुल उसके पास रहता है माँ के, तो उसने क्या बताया नहीं होगा कि अम्मी जी ऐसे करके, अम्मी जी अपने बेबे कुछ ऐसा कहते हैं कि वो अली बीमार है तो आपका बेटा है, अली के साथ तो आप इतना टाइम रही हैं, तो चल के खबर ही ले आए उसकी। लेकिन वो नहीं आई, क्यों नहीं आई? उसका मकसद क्यों नहीं था आने का? उसका मकसद ही कोई नहीं था आने का। उसने कहा मैंने जाके इधर क्या करना है, लोगों का ड्रामा तो रोज़ का चलता है। अव्वल तो पहली बात ये कि इतना वो एक दूसरे से बागी हो गए कि एक दूसरे की शक्ल ही देखना नहीं चाहती है। नहीं तो इतना बड़ा कि वो ECG की रिपोर्ट लेके बैठी है, कभी वो कुछ की जान ही निकाल दी, आज तो मुझे यही हो गया था, आज तो मुझे वो ही हो गया था, तो एक माँ क्यों नहीं आई? चलिए ठीक है, नहीं आई नहीं आई, हमें उससे क्या लेना देना, क्योंकि इन्होंने सीधी बात बतानी नहीं है जो है अंदर की, अंदर की बातें इन्होंने बतानी नहीं।
करनी है, चाहे एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने पूरा महाज कायम करके रखना है, लेकिन जो हकीकत बात है वो इन्होंने आगे यूट्यूब पे नहीं बतानी। चलें जी, अगली बात ये है जी, आया जी बाप आया घर, भाई आए घर में, ड्रामा चला, तो ये हुआ तो वो हुआ। अच्छा जी, ड्रामा पूरी वीडियो बना ली उन्होंने। उस टाइम तो हमारा भी बैठ गई है, पीछे आप भी बैठ गया है, सबने वीडियो बनानी थी, अच्छी वाली वीडियो बनाई है, थंबनेल पे प्रॉपर फोटो लगाई है उनकी कि ये देखिए जी हम आ गए हैं, ये आ गया है खबर लेने, तो ये हो गया वो हो गया, सिंपल। उस टाइम पे अब पता नहीं ड्रामे इन दोनों में से कौन कर रहा था, या अली भी ड्रामा कर रहा था या फिर वो घर वाले उसके बाकी ड्रामा कर रहे थे। अच्छा जी, वो आ गया है, उसके बाद खबर ली है, खबर लेके लूके सब कुछ कर करा के चले गए हैं। नेक्स्ट डे अली भी वीडियो अपलोड कर रहा है जिसमें वो अपने गंजू शर्मा भाई को प्रॉपर वे में धमका भी रहा है, समझा भी रहा है कि तुमने जो ड्रामा करना था तुमने हमारा के ख़िलाफ़ कर दिया ड्रामा, बहुत बातें की, और तुमने कल की भी आई हुई मैविश के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बातें की तुमने उसके बारे में, जो कि मैंने आप लोग को अपनी वीडियो भी बताया भी था, मैंने अपनी वीडियो भी कोई भी नाजनिंग पे अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था गंजू शर्मा काफ़ी बढ़ चढ़ के मैविश के बारे में बातें कर रहा है कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, ये है, वो है, मीन्स को उसको गलत लड़की कह रहा है, गलत लड़की, गलत औरत जो भी कह रहा है उसको, उसकी बहन कहाँ है। तो अली वीर ने कल अपनी जो एक कल के परसों आई थिंक आई डोंट नो वीडियो बनाई थी उसमें उसने प्रॉपर ये बताया कि तुमने ऐसे उस पर मैविश पर इल्ज़ाम लगाए, हम उनसे शादी करके लेके आए, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो मेरा तुम्हारी भाभी है, वो मेरा तुम्हारी फैमिली की है, ये है, अब तुमने पाकिस्तान आना है तो वो तुमने अपना राह साफ करने के लिए उनको मेरे पास भेज दिया है, तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई करूँगा, मैं ये करूँगा, मतलब कि वो आए हैं उस वक्त तुम लोगों ने बिठा लिया है, तो या तो फिर उसी वक्त बात करते ना तुम लोग, ये क्या तुम लोग यूट्यूब खेलते हो, तुम लोग के फैमिली मैटर्स हैं, तुम लोग के घर के मसले हैं, तुम लोगों ने क्या यूट्यूब ड्रामा चलाया हुआ, जो बात तुम्हारे बंदा सामने है तो उसके मुंह पे बात करो ना, ये क्या बात है। जब उठ के वो चला गया है, बात ख़त्म हो गई, नेक्स्ट डे तुम वीडियो अपलोड कर रहे हो और उस पर तुम बता रहे हो कि यार ड्रामा कर रहे हो, तो तुम उसी टाइम उनसे बात करते ना तुम लोग, ये क्या तुम लोग यूट्यूब खेलते हो, तुम लोग के फैमिली मैटर्स हैं, तुम लोग के घर के मसले हैं, तुम लोगों ने क्या यूट्यूब ड्रामा चलाया हुआ, जो बात तुम्हारे बंदा सामने है तो उसके मुंह पे बात करो ना, ये क्या बात है। जब उठ के वो चला गया है, बात ख़त्म हो गई, नेक्स्ट डे तुम वीडियो अपलोड कर रहे हो और उस पर तुम बता रहे हो कि यार ड्रामा कर रहे हो, तो तुम उसी टाइम उनसे बात करते ना कि आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे, आप लोग ड्रामा कर रहे हैं, क्यों आए हैं, क्या लेने आए हैं। उनके सामने तुमने कोई बात नहीं की, नेक्स्ट डे तुम उठा के एक वीडियो अपलोड कर रहे हो जिसमें तुम उसे गंजू शर्मा को धमकाओ, कि गंजू शर्मा तो यकीनन सी बात है लेटा हुआ इंसान था, चले मेरी बात पे उसने गौर किया है, अब वो बैठ गया है, वो बैठ के अब वो लेटे हुए इंसान से बैठा हुआ इंसान हो गया है, तो अब वो बैठ के वीडियो बनाता है अपनी, तो उसने भी जी जवाब में एक वीडियो बना दी जी गंजू शर्मा ने कि मैं ये वो ऐसे है वैसे है, वो मिलने नहीं गए थे, वो ये करने नहीं गए थे, तो वो नहीं हुआ था, तो वो मतलब कि अपनी फैमिली की लड़ाई पूरी। अब मेरी भी फैमिली है, मैं कितना खा के यहाँ पे अपना खोल के बैठ जाती हूँ कि ये है वो है, जितना हम बताएंगे दुनिया को सिर्फ उतना ही पता लगेगा, कोई हमारी इतनी बड़ी जगह नहीं है, कोई हम इतने पॉलिटिशियन नहीं है कि आके हम लोगों ने सब कुछ अपना खोल के रखना है कि सब कुछ बताना है। ठीक है, एक आ रहे हैं यहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं आप लोग का, चले इनकम का ये जरिया है, जो भी है तो एक हद में रहना चाहिए। उधर गंजू शर्मा ने फायर चलाने शुरू किए हुए हैं, इधर अली वीर ने शुरू किए हुए हैं, कोई ख़ास इनके पास चीज़ नहीं है, बस बनाते हैं। चले फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी, आपके दोस्त मधुरी।